व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे हैं फेशियल क्लिंजिंग पे, एक्सफोलिएशंस पे। एक कॉल है हमारे साथ, फिर हम अमरीन की कॉल का जो है वो आंसर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप कल नहीं आए? दो दिन से जो है प्रोग्राम आपका नहीं देख सक रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट चली जाती है केबल वाले की। केबल वाले की लाइट चली जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है जनरल चल जाता है, लेकिन केबल वाले की लाइट चली जाती है। तो आज मैं भी भाभी साहिबा कहूँगा, हालांकि मैं 65 साल का हूँ, लेकिन भाभी तो भाभी है। इज्जत करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ, खास तौर पे इनका जो अंदाज है, इनका जिस पेशे से ताल्लुक है, लेकिन वो झलक दिखाने की कहीं कोशिश अपने आप में नहीं करती। और इतना शाइस्ता लहजा है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और इतनी प्यारी बातें करती है। आज कुछ जरा से थोड़े से जो मुझे परेशान करने वाले सवाल है वो करूंगा, पहले पोल का जवाब दे। हाँ हाँ प्लीज। अभी जैसे आपकी कॉलर आई थी अमरीन, उन्होंने बड़ी प्यारी बात करी थी कि भाई जो है रिश्ते बढ़ते हैं, ताल्लुकात बढ़ते हैं और फैमिली बढ़ती है। ये तो ये अच्छा पहलू था। इसका नेगेटिव पहलू भी है आपस में शादी करने का, वो ये है कि जो बहन से किया या भाई से किया या मामू के यहाँ किया या चाचा के यहाँ किया, तो उनसे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं आगे जाके। हाँ, तो ये रिश्ता ऐसा exactly, है ना, कुछ इसमें खटपट चलती है, होता है। हाँ, तो ताल्लुकात खराब भी हो जाते हैं। तो अमरीन साहिबा की बात को भी मैं वेरी करता nice. हूँ, और साथ में ये भी कहता हूँ कि ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। सही है। अच्छा, आप भाभी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। अच्छा, आपसे दो सवाल करने, पहले तो आपकी जो मैं शान में कुछ तारीफ करना चाहता था वो कर दी। थैंक यू। दूसरा, कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम आते हैं जिसमें ब्यूटिशियंस आती हैं। अब देखें, एक एक आदमी का काम है मशीनरी बनाना, एक आदमी का काम है मशीनरी को इस्तेमाल करना। अब ब्यूटिशियन का काम है कि मेकअप को या इस चीज को सही तरीके से उसको अप्लाई करना। अब वो अपनी प्रोडक्ट ले लेके बैठ जाती हैं, और टीवी चैनल वाले, हमारे हेल्थ को नहीं कहूंगा लेकिन इसके अलावा जितने टीवी चैनल होते हैं वो प्रोडक्ट लेके बैठ जाते हैं, हमारे फलां चीज के लिए फलाना प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, फलाना चीज के लिए फलाना प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। प्रोडक्ट बनाना उनका काम नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? दूसरा एक सवाल और करना है कि दूसरे जितने मुल्क हैं दुनिया के, वहाँ कहीं भी नई मतलब जवान बच्चियों को फॉरन मेकअप नहीं कराया जाता। हमारे यहाँ क्यों इतनी अर्ली एज में लड़कियां मेकअप करने लग जाती हैं? कॉलेज में भी मेकअप चल रहा है, ऑफिस में भी मेकअप चल रहा है, वहाँ 30 के बाद 35 के बाद मेकअप होता है, तो क्यों हमारे यहाँ, हालांकि इतना हौसल और इतना प्यारी बच्चियां हैं, लेकिन उनको फैशन में डाल दिया गया है या वो खुद पड़ गई है? क्या वजह क्या है इसकी? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं इससे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, हमारे वक्त में भी, एक वक्त में इतनी जल्दी नहीं होता था शायद। इट्स मोर मीडिया इन्फ्लुएंस नाउ। डेफिनेटली मीडिया इन्फ्लुएंस भी है, और फिर मेरे ख्याल में पेरेंट का ग्रिप भी नहीं उतना। Exactly. किस चीज़ के, हमारे यहाँ एजुकेशन आप देते हैं, आज बच्चा सोचता है कि जो भी बच्ची आती देते हैं कि दे नो मोर देन मदर, और अक्सर ये होता है कि उनकी माएँ जब एंड यूजली दे डू नो मोर देन मदर नहीं, एंड देयर समथिंग दे नो मोर देन मदर, बट देयर समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर देम, क्योंकि माँ जो बोलती है स्किन केयर, तो पहली चीज़ होती है आपकी हेल्थ। ठीक है, अगर आप इंटरनली हेल्दी हैं तो बिलीव मी कि यू डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स टू मच, नॉट टू मच। तो मगर ये है कि आपको प्रेजेंटेशन से, हमारे यहाँ बच्चियों की शादियाँ भी जल्दी होती हैं अर्ली एज में, तो वो होता है कि आफ्टर 15-16 माएँ परेशान होने लग जाती हैं कि अब रिश्ता आएगा या नहीं आएगा। तो वो उनको थोड़ा सा ग्रूमिंग ज़्यादा देने अलाउ करते हैं कि भाई दे शुड लुक बेटर, शादी में जा रहे हैं तो दे शुड बी रियली ग्रूम्ड अप। अब तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हो गया, मगर बात सिर्फ उस चीज़ की होती है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा है कि हेल्थ इज़ योर ब्यूटी। एग्जैक्टली, इंटरनल हेल्थ, इंटरनल हेल्थ अगर आपकी है तो आईज़ में ब्राइटनेस है, आपके लिप के कलर्स नहीं है, आपके मार्किंग्स नहीं है। अब आपको खुद पता है कि जैसे अभी अमरीन का सवाल था, उसमें तो उसमें बेसिकली ये कि यू डोंट नो द प्रॉब्लम, नाउ शी इज़ हैविंग एडल्ट एक्ने, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आई थिंक वो जो मुझे बता रही थी कि उनको डेज के अराउंड में होता है, तो वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, और उसकी केयर उनकी अलग होगी, और एक दिन की या दो दिन की केयर से आंसर नहीं मिलते। मैं हमेशा समझाती हूँ कि भाई सर में दर्द है, तुमने एक पेन किलर ले लिया, सो इट इज़ हेल्पफुल यू, बट अगर आपका कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो यू हैव टू गॉट इट ट्रीटेड।
True. तो इसी वजह से स्किन में अगर नॉर्मल आपका है तो आप एक सिर्फ क्लिंजिंग वॉश अच्छा ले लें, वीकली एक मास्क रख लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि आप बाहर जाते हैं तो कार्बन, लेड और डेफिनेटली ऑयली स्किन है तो सब डिपॉजिट्स होते हैं आपके फेस पे, तो उससे एलर्जीज आपके हैं, आपकी इन्फ्लेमेशंस आपकी हैं. अब अगर इंटरनल हेल्थ है तो रीजुवेनेशन ऑफ स्किन बहुत क्विक होती है. True. But every month जो हम कहते हैं स्किन पील ऑफ होती है, अगर वो पील ऑफ नहीं हो रही बाय सर्टन कंडीशंस जो मैंने बोली पहले, तो इट इज एडहेसिव टू योर स्किन एंड यू डोंट हैव दैट फ्रेशनेस एंड ग्लो ऑन योर फेस. सो व्हेन यू गेट रियली केयर्ड अपनी स्किन को आप रखते हैं, राइट क्लिंजिंग है, राइट मास्क है, एक्सफोलिएशन कहाँ चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो यू बैडली नीड इज एन एक्सफोलिएशन, क्योंकि डिपॉजिट जब आपके फेस पे रहेंगे तो फ्रेशनेस टोन नहीं होगी आपके. और उसी के साथ साथ उसी के लिए स्क्रबिंग हम लोग करते हैं. हाँ, मगर स्क्रब में भी बेटा बात यह है कि उसके ग्रेन्स किसकी स्किन के टाइप के लिए कितना है. अच्छा. और कौन सा इज मेंट फॉर ऑयली स्किन. स्किन का पीएच लिखे होते हैं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं पढ़ता. डेफिनेटली जब आपकी ऑयली स्किन है तो एसिडिक साइड पे हो, जब एल्कलाइन है तो ड्राई साइड पे हो, बैलेंस है 5.5 पे. और आपको वो लेने हैं, क्यों चेंज करते हैं हम ये, हमारे यहाँ एकदम सिर्फ. अच्छा, वैसे प्रोडक्ट्स के नीचे उनकी पीएच लिखी हुई होती है काफी हद तक. अब तो अच्छे प्रोडक्ट्स के नीचे अगर हम लें तो उनकी पीएच लिखी हुई होती है, उसकी एक्सपायरीज भी लिखी होती है. ठीक है. और अगर हम कभी कभी रॉन्ग प्रोडक्ट्स, अब वो होते हैं ना कि मदर की टेबल पे एक बहुत अच्छी सी क्रीम रखी है, बच्चियाँ हैं उनको बहुत शौक होता है, तो वो कोई भी चीज़ उठा के फॉर. अब अगर आई मीन आई लेट मतलब 50s और 60s के नियरिंग पे, तो मेरी स्किन की जो ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा है बनस्बत एक जो टीनेजर की बच्ची होगी. अगर वो क्रीम वो लगाएगी तो उसकी मजीद ऑयली हो जाएगा, शी माइट गेट एक्ने इवन टू. तो अभी जिस तरीके से इनका है प्रॉब्लम, तो इनको एक्स्ट्रा केयर चाहिए, क्योंकि सी शी सेड शी उनके मार्किंग्स नहीं जा रहे, स्पॉट्स नहीं जा रहे. वो कहते हैं एक्ने फिर भी चले तो इसके स्कार्स रह जाते हैं. तो शी इज इन कराची, शी शुड कम फॉर द ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर कंसल्टेशन, द राइट प्रोडक्ट होम यूज. मैं ये कहती हूँ अगर आप राइट प्रोडक्ट का होम यूज भी सब करते हैं, एक अच्छा क्लेंजर लेंगे, एक्सफोलिएशन है, किसको रिक्वायर्ड है रेगुलर 2-3 डेज और फिर किसको वंस अ वीक या मंथली. तो एज पर टाइप ऑफ योर स्किन आप प्रोडक्ट यूज करें, ये नहीं कि हर कोई उठा के हर रोज उसका यूज शुरू कर देगा. सही. तो आपको जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा मत करें, देन इट इज डैमेजिंग. और उसी लिहाज से अगर आप यूज करेंगे सो इट इज हेल्पफुल टू योर स्किन. आप प्रोफेशनल फेशियल लेते हैं तो सी यू हैव अ ग्लो ऑन योर फेस. ग्लो ऑन योर फेस, हाँ वो आता है 2-3 दिन के बाद. जितनी रिसर्च इसमें बात करते हैं, हमारे पास एक कॉल मौजूद है वो अटेंड करके. ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल ठीक ठाक. गुड एवरी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेज इरफान बात कर रही हूँ. जी मिसेज इरफान, कहाँ से? हाँ जी, कैसी हैं आप? पोल का जवाब पहले तो, पोल का जवाब देंगी भाई. मैंने अभी अभी टीवी ऑन किया, मेरी लाइट अभी आई है तो अल्लाह चले. हमारे पोल का सवाल है कि अगर दो इक्वली अच्छे रिश्ते हैं, एक खानदान का एक खानदान से बाहर, तो कहाँ रिश्ता करेंगे? वैसे तो खानदान से बाहर ही ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि खानदान में तो फर्स्ट कजन मैरिज तो वैसे भी मना किया जाता है ना. ओके, अभी तक सुबह से ऐसे ही कॉल्स आ रहे हैं, व्हिच इज वेरी नाइस एक्चुअली. चलें, वेरी नाइस. अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे इनसे ही बात करनी है कि जो मैनिक्योर पेडिक्योर ये वगैरह, तो घर के कोई ऐसी रेमेडीज बताएं ना. मकसद ये कि प्रोफेशनली तो करवाने जाते हैं तो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो कोई इस तरह की ट्रीटमेंट हो. घर में आप कैसा ख्याल रखें कि आपको प्रोफेशनली कराने की जरूरत ही ना पड़े, है ना? नहीं, जरूरत ये है कि वंस इन अ वाइल या जब कोई हो ओकेजन वगैरह तो इंसान करवाए, लेकिन डेली रूटीन पे जो है वो अगर घर में बंदा कर ले तो वो ज्यादा बेहतर रहता है ना. ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मिस्टर फान. हाँ जी, पहले हम लोग बात कर रहे थे फेशियल्स की, क्लेंजर्स की. ये महीने में कितनी बार कराना चाहिए या महीने में कराना भी चाहिए? देखो, स्किन का मैंने कहा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ब्लैक हेड एंड ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है तो यू माइट नीड अ लिटिल क्विक अर्ली उससे, और फिर अदरवाइज फिर आप 10 डेज में, फिर 15 डेज में, फिर मंथ में आपका होता है. क्योंकि जब पोर्स बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे इट मीन्स इट्स टू फुल विद सीबम, उसकी प्रोडक्शन हाई पर है, तो यू नीड अ ट्रीट. आपके घर के भी केयर होंगे, और जैसे हर्बल मास्क वगैरह मैं घर के लिए दे देती हूँ, यंग एज अगर है तो रोज़ का एक्सेसिव ऑयल को क्लीन करता जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली रिफाइंड होता जाता है पोर. सो जब पोर रिफाइंड हो जाएंगे उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और उसके साथ थोड़ी सी डाइटरी हैबिट्स हैं जो आपको चेंज करनी है. That's going to help you. Fresh fruits and vegetables, jitna milk hai,
बेसिकली फ्रूट्स वेजिटेबल एंड मिल्क जितना आप ले सकते हैं और या मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं दैट इज़ हेल्दी फॉर योर स्किन. सही. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाफ रिसर्चेस पे हमें मना कर दी जाती हैं और हमारे यहाँ बस आपने एक आर्टिकल पढ़ लिया तो आपने कहा दिस इज राइट तो दिस इज नॉट राइट. आप देखें हर हाँ, पता है क्या भाभी हम लोग जो कुछ टीवी पे देख रहे हो अब हमारे यहाँ तो चलो खैर नहीं लेकिन और टीवी चैनल्स पे वो जी खड़ी में मिक्सचर बना रही है अब हर कोई जी वो मिक्सचर बना के मुँह पे लगा के बैठ गया कि वो जी टीवी में दिखा रहे थे एंड उसके साथ कितने डैमेजेस हुए बिकॉज डायरेक्ट लहसुन आप फेस पे या डायरेक्ट लेमन अगर फेस पे या डायरेक्ट प्याज करके अगर फेस पे तो सब स्किन नहीं ले सकते. हाँ. किस प्रॉब्लम के लिए है exactly. उसकी कितनी मिक्सचर उसमें आप डाइल्यूट करेंगे उसको आपको बताना तो वो आप अकॉर्डिंगली देख के बता सकते हैं. ट्रू. घर मैं ये कहूँगी मीडिया पे कोई भी नुस्खा वो दो जो डैमेजिंग किसी के लिए ना हो एवरेज होम केयर पे उससे हटके मैं ज़्यादा कभी देती नहीं हूँ. तो इसमें सिंपल ये होता है या तो आप ब्रांड एक सेलेक्ट अब ब्रांड वो बात कर रही हैं तो ब्रांड कौन सा अब हम वो भी यहाँ बात नहीं कर सकते. चंद नाम हैं जिनके बारे में ये पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं ऐड देख लेते हैं exactly. तो दे जस्ट गो फॉर दैट तो दिस इज नॉट इवन राइट. तो फिर हम कहाँ एक्सपेरिमेंट करें? देखो स्किन की इस एक्सपेरिमेंट नहीं आप प्रॉपर कंसल्टेशन लें. आप जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते आप हैं बाकायदा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसको अपनी स्किन टाइप चेक करवा कर फिर आप उनसे प्रोडक्ट्स नहीं नहीं इवन ब्यूटिशन में अभी मिडिल ईस्ट जो स्किन कॉन्फ्रेंस थी तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है वी गॉट द अवार्ड स्किन एक्सेलेंस ट्रीटमेंट अवार्ड का पाकिस्तान में हमें मिला अवार्ड. तो उसमें ये है कि आपकी ट्रीटमेंट्स हैं. मैं ये कहती हूँ कि जो प्रॉब्लम है उसके लिए अगर हार्ट के प्रॉब्लम है तो हार्ट के डॉक्टर के जाओगे ना तो हाँ, इसी लिहाज से अगर ईएनटी का प्रॉब्लम है तो ईएनटी के पास जाओगे. तो अगर आपको पता है कि कौन एक्सपर्ट्स हैं तो गो टू द एक्सपर्ट अदरवाइज तो तुम उनसे ज़्यादा जानते हो जो छोटे छोटे सलून्स खोले. मैं Very उनको अगेंस्ट नहीं बोल रही मगर उन बच्चियों को भी मैं ये कहती हूँ कि आके सीखो.